भैयाथान में कन्या हाई स्कूल की छात्राओं के स्कूल भवन को लेकर की गई मांग पूरी हो गई है, जहां अब समय पर छात्राएं अपनी पढ़ाई कर सकेंगी। दरअसल कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की थी, जहां कन्या हाई स्कूल के भवन में ही आत्मानंद स्कूल का संचालन किया जा रहा था, जिससे कन्या हाई स्कूल की छात्राओं को काफी परेशानियां हो रही थी। पढ़ाई के लिए पूरा समय भी नहीं मिल पाता था। आपको बता दें कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वारा लगातार अलग भवन की मांग की जा रही थी। वहीं पिछले दिनों जनसंवाद के दौरान कलेक्टर रोहित व्यास को भी समस्या से अवगत कराया गया था, जिसके बाद कन्या हाई स्कूल की छात्राओं की मांग पूरी की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या है, हम लोग को पहले अच्छे से हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, अब हमें अपनी स्कूल मिला है तो हम लोग का पढ़ाई अच्छे से हो पा रहा है, हम लोग अच्छे से घर जा पा रहे हैं। मतलब पहले होता था कि हम लोग को 6-7 बज जाता था घर जाने में, और हम लोग अपने घर टाइम से जा पाएंगे, हम लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग खेलने के लिए कुछ मतलब मिलता नहीं था, अब हम लोग अच्छे से खेल भी पाएंगे। जिला प्रशासन से लेके जनपद के विकास खंड शिक्षा अधिकारी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने हम लोग जो संज्ञान में लाए थे यहां जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय कलेक्टर साहब के पास, उस क्योंकि आत्मानंद और कन्या गर्ल स्कूल दोनों एक में चलाना, पाली पाली में चलाना, उससे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आज स्थिति है कि यहां पर हमारा कन्या स्कूल शिफ्ट हो गया, निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ने में उनको समय पर आने बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। इसके लिए मैं पूरे शिक्षा विभाग को, जिला प्रशासन को मैं बहुत अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्डिंग तो पहले से थी, अभी पूरा फर्नीचर की व्यवस्था की गई है, लाइट वगैरह जो डिस्टर्बेंस था उसको ठीक किया गया, पंखे लगाए गए हैं, इसके बाद अब यहाँ पूर्णतः अब शिफ्ट कर दिया गया है, अब आज से यहाँ संचालित होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या है, हम लोग को पहले अच्छे से हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, अब